सो हेलो एवरीवन, दिस इज सॉसेफ, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो एक नया लोकेशन और एक नए टेस्ट के साथ वापस से हम हाजिर हैं एक फूड ब्लॉग को लेके। सो अभी हम हैं शहर की भीड़ भाड़ से दूर, काफ़ी दूर, अमीज प्लाजा अयूब नगर मुड़िया में। तो मुड़िया में एक लोकेशन है और यहाँ पे पहले एक ढाबा हुआ करता था एक्चुअली, और अभी ये जिसे कन्वर्ट कर दिया गया है एक लुक के साथ, यहाँ पे इसको एक नया टच भी दिया गया और जहाँ का जो फूड है वो भी काफ़ी कमाल का है। और जो प्लेस की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी प्लेस है, क्योंकि आज के शहर में तो आजकल हमें बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, बट शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुकून वाली प्लेस जहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ चिल आउट किया जा सकता है, उस प्लेस पे हमें भी हैं। क्योंकि शहर के सारे रेस्टोरेंट को ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, बट जो शांति और जो वाइब्स यहाँ पर आती है भाई साहब, वो आपको शहर के बीचों बीच नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए और अभी टेस्ट भी करेंगे और सारी चीज़ें रिव्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो के अंदर बने रहें। और अभी हम रेहान भाई से ही बात करेंगे, फूड रिव्यू को भी करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। सो अभी वीडियो लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे साथ है अभी मशहूर माने साहब, जो अभी यहाँ पे हैं और इस रेस्टोरेंट में ये अभी उन्होंने अभी स्टार्टर ट्राई किया है, तो अभी इनसे जानते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा लगा इनको और अभी जो मेन कोर्स आने वाला है उसका इन्हें कितने शिद्दत से इंतज़ार है। बहुत शुक्रिया। आज दी रसोई रेस्टोरेंट का जो है वो रिनोवेशन हुआ है और इसको हम लोगों ने यहाँ पे इनोग्रेट किया है, और अभी जो स्टार्टर हम लोगों ने ट्राई किया बेहतरीन स्टार्टर रहा, और ऐसा लगा एक पल को कि शायद मैं दरभंगा में नहीं हूँ, कहीं बाहर किसी और जगह, किसी अच्छे बड़े शहर के किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। बेहतरीन वेज स्टार्टर भी था, नॉन वेज स्टार्टर भी काफ़ी बेहतरीन था, और आप देख रहे हैं कि और भी चीज़ें लग रही हैं, थोड़ी देर में मेन कोर्स भी आएगा, बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि स्टार्टर का टेस्ट अच्छा था, तो उम्मीद कर रहे हैं कि मेन कोर्स भी अच्छा रहेगा। और जिस लोकेशन पे ये रेस्टोरेंट है, लोकेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। ये लोकेशन जो है वो दरभंगा और मधुबनी के बीच का एक लोकेशन है, जहाँ पर जो है वो दूर दराज से भी लोग आते हैं और इस इलाके के भी आसपास के गाँव के भी लोग हैं, कि जो आदमी मधुबनी शहर में रहते हैं वो भी चाहते हैं कि हाईवे की तरफ जाकर कुछ खाना खाया जाए, कुछ रेस्ट किया जाए। दरभंगा शहर के भी लोग हैं, तो मुझे लगता है कि दरभंगा और मधुबनी की जनता के लिए ये रेस्टोरेंट जो है अपार संभावनाएं लेकर आया है। मैं रेस्टोरेंट के संस्थापक रेहान भाई को मुबारकबाद देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, उम्मीद करता हूं कि दरभंगा और मधुबनी की आवाम यहां से जो है वो फ़ायदा उठाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने उस मशहूर उस्मानी साहब से बात किया और उनसे टेस्ट के बारे में जाना स्टार्टर के, बट अभी हम जानने वाले हैं फराज फातमी सर, तो उनसे जानते हैं कि कैसा टेस्ट लगा उन्हें। जी भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइए कैसा टेस्ट लगा। मैंने अभी चिकन लॉलीपॉप ट्राई किया है, दिल्ली जैसा दिल्ली में मिलता है आपको, मैं तो कई रेस्टोरेंट्स ट्राई किया उसी लेवल का है, चिकन टिक्का भी उसी लेवल का है, चिकन चिली भी, तो इट्स अ गुड क्वालिटी, वेरी गुड। रेस्टोरेंट के एम्बियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जैसे रेस्टोरेंट्स के इंटीरियर्स होते हैं उसी तरीके से इंटीरियर किया है, इससे अच्छा स्टैंडर्ड क्या होगा, और दरभंगा में ऐसी चीज़ खुली है जो उसको कंपेयर करने में हमें खुशी हो रही है कि आज हम दिल्ली बम्बई कलकत्ता ऐसा लग रहा है वहाँ बैठे हुए हैं, और गुड क्वालिटी फूड, स्टैंडर्ड प्राइस, अच्छे कुक्स, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एम्बियंस, यही चाहिए होता है किसी फैमिली मेम्बर को आने के लिए, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, इससे अच्छी बात क्या होगी। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग यहाँ काफ़ी दरभंगा मधुबनी एतराफ़ के लोग आए इसका इफ्तिताह करने के लिए, और एक अच्छी बड़ी पहल शुरुआत हुई है
और हमारी दिली तमन्ना दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह इन बच्चों को कामयाब करे और इसका फ़ायदा इस इलाके के लोग और आने जाने वाले लोग जो आपके पूर्णिया किशनगंज कटिहार जाते हैं उनको एक अच्छे रेस्टोरेंट और अच्छे रेसिपी वाले रेस्टोरेंट की ज़रूरत थी और इन्होंने वैसा किया है। कुक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे किस्म के कुक को लाए हैं, वेटर्स हैं, सर्विस अच्छी लग रही है। अभी हम लोगों ने बहुत सारा वेज नॉन वेज मंचूरियन सब टेस्ट किया है और हम लोग को ऐसा लगा कि ये दैट्स अप टू स्टैंडर्ड है और इससे लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड होंगे। हमारे साथ हैं अभी रहमान भाई जो इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि इस रेस्टोरेंट को खोलने के पीछे उनका क्या मोटिव था। पहले यहाँ पे एक्चुअली ढाबा हुआ करता था, तो इस किस तरह से इन्होंने यहाँ पे रिनोवेशन का काम किया है और क्या कुछ नया ले गए हमारे दरभंगा वासियों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हम तक पहुँचे और मैं बताना चाहूँगा कि ये पहले ढाबा का कंसेप्ट मैंने जो हरियाणा साइड में जैसा ढाबा होता उस टाइप में रखा था, लेकिन एक्चुअली यहाँ मतलब ढाबा को ढाबा के नज़र से ही देखते हैं लोग, रेस्टोरेंट वाला वो नहीं होता है। इस वजह से रेनोवेट करने का करना पड़ा, क्योंकि लोगों बहुत सारे लोग बोलते भी थे कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन जो लुक है थोड़ा रिच लुक दीजिए। उसके बाद हम लोग बैठ के बात किए, उस पर इंटीरियर का काम करवाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ओपन भी हो गया हमारा रेस्टोरेंट, रसोई रेस्टोरेंट जो मुड़िया में है, NH 57 अयूब नगर मुड़िया। इंटीरियर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस यहाँ पे मुझे लगा, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं रिकमेंड भी करूँगा आप लोगों की आप यहाँ पे ज़रूर आए और यहाँ फूड टेस्ट करें, खाना भी काफ़ी अच्छा था मैंने खाया। और अभी रेहान भाई से जानेंगे कि यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट में क्या स्पेशल मिलने वाला लोगों को, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ कंपटीशन सा चल रहा है यहाँ पे, तो क्या कुछ नया देने वाले हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग अगर रेस्टोरेंट में आते हैं तो मेनली टेस्ट के लिए आते हैं, जो बेहतर टेस्ट हो, क्वालिटी मेंटेन करे, हाइजीन फूड हो, एम्बियंस बढ़िया हो, सारी चीज़ें कंबाइंड करके ही रेस्टोरेंट बनता है। और वैसी जगहों पे लोग जाना पसंद भी करते हैं, खाना पसंद भी करते हैं, तो इसीलिए हम सोचे। रेहान भाई बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे आपसे है कि क्या यहाँ पे इवेंट के लिए भी हम लोग बुकिंग कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये हम लोग इवेंट का भी काम करते हैं। बहुत सारी इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराई, बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ कराई, रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी पार्टियाँ अरेंज करवाई है। तो फिर से इंशाल्लाह बढ़िया से बढ़िया अरेंज करेंगे पार्टी को इंशाल्लाह। तो शहर की भाग दौड़ से अगर आपको बचना है और एक अच्छा नेचर के टच में और आपको बहुत ही अच्छा कूल इन्वायरमेंट के साथ अगर आपको अपने किसी भी इवेंट को एंजॉय करना है तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं और रेहान भाई से ज़रूर कांटेक्ट करना। और एक स्पेशल बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से रेफरेंस अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। और तो प्लीज़ आइए और ढेर सारा प्यार हमारे इस नए रेस्टोरेंट को भी और हमारे चैनल पर भी बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच।